यस सर, चैप्टर नंबर 31 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स दिल थाम की बेटी का HSN कोड सर, GST हो, कस्टम्स हो या एक्साइज था, सेम टॉपिक है सर, ध्यान देना सर। किसी भी गुड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहली बात शेड्यूल 1 जो है उसको 21 सेक्शन में डिवाइड किया है, 21 सेक्शन को फर्दर 98 चैप्टर्स, और GST में एक चैप्टर एक्स्ट्रा एड किया, 99 चैप्टर फॉर सर्विसेज। देन चैप्टर में सर सेक्शन नोट चैप्टर नोट दिए, उसके बाद जब टेबल शुरू होता है रेट का, हेडिंग्स, सब हेडिंग, सब हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग है टैरिफ आइटम बेटा, ओके। हर चैप्टर को दो डिजिट नंबर दिया, फिर उसमें हेडिंग अगर है तो उसको दो डिजिट नंबर और दे दिया, सब हेडिंग को दो डिजिट नंबर और दे दिया, और फिर टैरिफ आइटम को दो डिजिट नंबर और दे दिया। दिस इज हाउ 8 डिजिट HSN कोड हैज बीन असाइन टू ईच एंड एवरी गुड्स, ओके। सर ध्यान देना, सिंगल डैश डिनोट्स हेडिंग, डबल डैश डिनोट्स सब हेडिंग, एंड ट्रिपल डैश डिनोट्स सब हेडिंग, और टैरिफ आइटम 4 डैश बेटा, हाँ है ना बेटा, 4 डैश मतलब टैरिफ आइटम है बेटा, ओके। सर टैरिफ को पढ़ने का तरीका है, सर ध्यान देना बच्चों, कभी भी ध्यान रखना सर, टैरिफ अगर हम GST की बात करें तो देर आर 4 कॉलम इन द टैरिफ सर, टैरिफ आइटम मतलब आपको HSN कोड लिखा होगा, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड रेट ऑफ टैक्स, एंड सर कस्टम की बात करें तो वहां पे एक कॉलम एक्स्ट्रा है, एक कॉलम कौन सा एक्स्ट्रा है बेटा, सर नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, और कुछ कंट्रीज के साथ में सर ट्रेड रिलेशन को प्रमोट करने के लिए उनको डिक्लेयर किया एज ए प्रेफरेंशियल कंट्री, और उनके लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा है साहब, ओके सर। और अगर किसी गुड्स के लिए प्रेफरेंशियल रेट नहीं है तो उस पर स्टैंडर्ड रेट लगेगा, प्रेफरेंशियल कंट्री से इंपोर्ट किया तो ही प्रेफरेंशियल रेट लगेगा, वो भी उन्हीं गुड्स के लिए जिनके लिए प्रेफरेंशियल रेट दे रखा है, रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर GST एज वेल एज कस्टम्स, ओके सर। नाउ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सर किसी भी टैरिफ किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये गुड्स कौन सी हेडिंग या सब हेडिंग या सब टैरिफ में फॉल करता है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स एंड एग्जिबिशन वगैरह अवेलेबल ऑन दिस गुड्स, क्योंकि HSN कोड मिलेगा तो ही पता पड़ेगा कि इस पर रेट ऑफ टैक्स क्या है या कोई एग्जिबिशन वगैरह में कवर होता है कि नहीं होता है, ओके सर। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल नंबर 1 क्या है, सेक्शन एंड चैप्टर टाइटल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, देयरफॉर क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इट, जो नाम दिया उसका कोई मतलब नहीं, पर हाँ सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स आर पार्ट ऑफ लॉ, देयरफॉर क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन इट, पर अगर आपका क्लासिफिकेशन इज क्लियर थ्रू टैरिफ एंट्री इटसेल्फ या सेक्शन नोट और चैप्टर नोट इटसेल्फ, देन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन शैल नॉट बी रेफर टू। रूल नंबर 2, सर रूल ए कहता है, अगर आपने कोई भी गुड्स को सर पार्ट्स या कंपोनेंट्स में, सर ध्यान देना बेटा, अगर आपने जब भी गुड्स को बेचा है या इंपोर्ट किया है, कैसे किया है, पार्ट्स कंपोनेंट्स में डिसअसेंबल किया है, अनअसेंबल किया है, या नॉकडाउन कंडीशन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में अगर आपने गुड्स को बेचा है तो सर, या फिर कंप्लीट सर इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड फॉर्म में बेचा है, तो ऐसे केस में इफ दोज गुड्स आर हैविंग एसेंशियली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ द कंप्लीट गुड्स और फिनिश गुड्स, तो ऐसे केस में सारे पार्ट्स सर जब हम साथ में रिमूव करते हैं तो ऑल दीज पार्ट्स जो गुड्स बनाते हैं कंप्लीट गुड्स में क्लासिफाई करेंगे, अलग पार्ट्स को अलग क्लासिफाई नहीं करेंगे, पर कंडीशन क्या है, ऑल द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मस्ट बी रिमूव्ड टुगेदर, क्लियर सर, मस्ट बी प्रेजेंटेड टुगेदर टू रिमूव द गुड्स, एंड सर कोई रिमूवल के बाद कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल अफिक्सिंग डिवाइस से गुड्स शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे साइकिल अगर अनअसेंबल फॉर्म में है पर अगर आपने पूरी साइकिल बेची तो साइकिल में क्लासिफाई करेंगे, पर अगर उसका केवल टायर बेचा तो टायर में क्लासिफाई करेंगे बच्चों, ओके। इनकम्प्लीट और अनफिनिश गुड्स ज्यादा है बेटा, रेलवे सर रेल बोगी, रेल बोगी में अगर सीट नहीं है तो भी इसको रेल बोगी ही कहेंगे बेटा, क्योंकि एसेंशियली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ द कंप्लीट गुड्स इसमें प्रेजेंट है, ओके। रूल नंबर 2, सर रूल नंबर बी बोलता है, जिस गुड्स से आपने जिन रॉ मटेरियल से जिन कंटेंट से आपने गुड्स को बनाया है, अगर कभी हेडिंग जो दे रखा है टैरिफ के अंदर वो हेडिंग कंटेंट के बेस पे दे रखा है, जैसे दवाई जो होती है बेटा सर पैरासिटामोल के बेस पे नंबर आपका कंटेंट के बेस पे हेडिंग दिया होता है और आपने जो गुड्स बनाया उस कंटेंट फिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हो, पर अगर योर गुड्स आर मिक्सअप ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट और वो मिक्सचर का हेडिंग दे रखा है तो उसमें क्लासिफाई करिए, पर इफ गुड्स आर क्लासिफाइबल अंडर मोर देन वन हेडिंग तो रूल नंबर 3 शैल बी फॉलोड। रूल नंबर 3 बोलता है क्या सर, सब रूल नंबर ए बी और सी शैल बी फॉलोड इन सिक्वेंस, ए बोलता है क्या स्पेसिफिक हेडिंग शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल हेडिंग, सर सेकंड बोलता है क्या अगर कोई गुड्स मोर देन वन कंपोनेंट से बना हुआ है तो ऐसे केस में द कंपोनेंट विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्लासिफाई करेंगे, जैसे मोबाइल फोन उसमें कैमरा भी है, ब्लूटूथ भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, सब कुछ है, पर इसमें एसेंशियल क्या है मोबाइल, मोबाइल में क्लासिफाई करेंगे बेटा, इट डिपेंड्स ऑन गुड्स टू गुड्स, पर अगर क्लोज मसी बोलता है अगर बी से आंसर नहीं आ रहा मतलब इफ मोर देन वन कंपोनेंट या पार्ट से गुड्स बना हुआ है और सारे कंपोनेंट या मोर देन वन कंपोनेंट उसमें एसेंशियल है, तेरे बिना मैं नहीं मेरे बिना तू नहीं, तो ऐसे केस में अब एसेंशियल क्या है, मोर देन वन एसेंशियल है तो किस में क्लासिफाई करेंगे, तो जो जो पार्ट्स और कंपोनेंट एसेंशियल जो इक्वल मेरिट रखते हैं सर उन सब का हेडिंग नंबर देखिएगा एंड द हेडिंग विच अकर्स लेटर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे, लेटर इज बेटर, अभली हायर रेट हो लोअर रेट हो कोई मतलब नहीं बेटा, सर न्यूमेरिकल ऑर्डर में लास्ट में आएगा जो हेडिंग लास्ट में न्यूमेरिकल ऑर्डर में उसमें क्लासिफाई करेंगे। रूल नंबर 4 बोलता है मोस्ट अकिन गुड्स, सर का ध्यान देना बेटा जो गुड्स आपने बनाया है अगर मान लो वो गुड्स टैरिफ में नहीं है तो सर उसका जो क्लोजली रिजेम्बलिंग गुड्स होगा
उसमें क्लासिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई दवाई बनाई, नया मेडिसिन बनाया, तो सर उससे क्लोजली रिजेंबलिंग गुड्स कौन सा है उसमें क्लासिफाई करेंगे, मोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग गुड्स। ओके सर, अकिन गुड्स उसको हम बोलते हैं बेटा। रूल नंबर 5 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। ध्यान देना बच्चों, पैकिंग मटेरियल को क्लासिफाई करने की बात कब आएगी, जब आपने पैकिंग मटेरियल अलग से बेचा है। क्लियर? अगर पैकिंग मटेरियल के साथ में मेन गुड्स बेचा है तो ऑब्वियस बात है आपको क्लासिफाई किसमें करना है, मेन गुड्स में क्लासिफाई करेंगे। जैसे एसी खरीदा, एसी के साथ बॉक्स आया, तो बॉक्स को अलग से क्लासिफाई करने की बात नहीं आती। पर अगर आपने अलग से केवल बॉक्स बेचा है तो उसको किसमें क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए रूल नंबर 5 आया। रूल नंबर 5 बोलता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। अगर पैकिंग मटेरियल का जनरल यूज है, सेकंड केस क्या पैकिंग मटेरियल का स्पेसिफिक यूज है, अगर स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक यूज है, जैसे गिटार बॉक्स गिटार में ही काम आएगा। तो सर अगर स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक साइज है, तो ऐसे केस में जिस गुड्स के लिए वो काम आने वाला है, जिस गुड्स के लिए वो बनाया गया है, क्लियर, उसी में क्लासिफाई करेंगे। जैसे गिटार बॉक्स विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ गिटार ओनली। एंड सर अगर उसका जनरल यूज है, तो ऐसे केस में सच पैकिंग मटेरियल, मतलब उसमें कुछ भी पैकिंग कर सकते हो आप, जैसे नॉर्मल कैरी बैग वगैरह आते हैं, तो उसकी रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई किया जाएगा। ओके, रूल नंबर 6 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर क्लासिफिकेशन अंडर सब हेडिंग्स। अगर सर सब हेडिंग में झगड़ा है, दो सब हेडिंग में झगड़ा है, तो रूल नंबर 1-5 शिल अप्लाई, मोटाडिस मोटाडिस मतलब एज इट इज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ हेडिंग सब हेडिंग्स आल्सो बेटा। ओके, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म होते हैं। अब आ रहा है कुछ छोटे पॉइंट्स और। सर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को क्लासिफाई कैसे करना है, पहली बात तो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। सर पार्ट्स और एक्सेसरीज में क्या डिफरेंस है, पार्ट्स आर दी एसेंशियल कंपोनेंट जिसके बिना मेन गुड्स फंक्शन नहीं कर सकता है, एक्सेसरीज आर वैल्यू एडिशन, सपोर्टिव होती है बेटा। अब ध्यान देना बेटा, अगर पार्ट्स की बात करूं मैं, अगर उसका स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक यूज है, तो जिस गुड्स के लिए वो बनाया गया है उसमें काम आएगा, तो सर वो मेन गुड्स में ही क्लासिफाई करेंगे। भले आपने पार्ट बेचा है, फिर भी मेन गुड्स में ही क्लासिफाई करेंगे। पर अगर उसका जनरल यूज है, तो उसकी रेस्पेक्टिव खुद की हेडिंग में क्लासिफाई करेंगे। और एक्सेसरीज अगर मेन गुड्स के साथ आपने अटैच करके फिर बेचा है, अगर फिट कर दिया उसको मेन गुड्स में, तो एक्सेसरीज लूज देयर आइडेंटिटी, अलग से उसको क्लासिफाई करने की बात नहीं आएगी। पर अगर आपने एक्सेसरीज को अलग से बेचा है, तो एक्सेसरीज को जैसे कार का सर सीट कवर है, तो सीट कवर में क्लासिफाई होगा बेटा, उसकी रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई होगा। ओके सर, आता है क्या HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने क्या किया, अपने सारे मेंबर कंट्रीज के लिए एक शेड्यूल बनाया, और उस शेड्यूल के लिए बोल दिया इस तरह का ही शेड्यूल आप अपनी कंट्री बनाइए। हमने वहां से कॉपी करके पेस्ट किया, जितने भी मेंबर कंट्री है WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। सर अभी तो WHO ही सुना जाता है सबको, सर अभी क्या करें, दिमाग वही चल रहा है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर कंट्री, उन्होंने शेड्यूल उसी बेस बनाया, कॉपी करके पेस्ट किया, बस रेट ऑफ टैक्स सब कंट्री ने अपने अपने हिसाब से लगा रखी बेटा। ओके सर, इसने ऐसा क्यों किया, सो दैट क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूनिफॉर्म रहे अमंग ऑल दी मेंबर कंट्री, हार्मोनाइज सिस्टम रहे नॉमेनक्लेचर का, इसलिए उसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN। अच्छा, उन्होंने क्या किया, हर सेक्शन जब शुरू होता है उससे पहले कुछ नोट्स दिए, हर चैप्टर जब शुरू होता है उससे पहले कुछ नोट्स दिए, टू एक्सप्लेन और टू गवर्न द एंट्रीज इन अ पर्टिकुलर सेक्शन और चैप्टर। क्लियर? और सर उन सेक्शंस को बोलते हैं सेक्शन नोट्स, एंड चैप्टर में जो लिखा उसको बोलते हैं चैप्टर नोट्स ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। एंड सर जो नोट्स हमने एक्सेप्ट कर लिए उसका तो लीगल वैल्यू है, क्योंकि दोज आर कॉल्ड सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। और जो नोट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए उसको बोलते हैं HSN नोट्स। जो नोट्स हमने एक्सेप्ट कर लिए वो तो इंडियन लॉ का पार्ट बन गया, वो इंडिया में लीगली एनफोर्सेबल है। पर जो नोट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए जिसको बोलते हैं HSN नोट्स, वो इंडिया में लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दे कैन बी रेफर टू बट दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ध्यान इसमें जजमेंट भी आया हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ बेटा। क्लियर? HSN नोट्स डू नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू इन इंडिया। ओके सर, ये था HSN कहानी, रिलेवेंस ऑफ। अच्छा सर, उससे पहले एक बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर मार्केट पार्लेंस थ्योरी। सर ध्यान रहा, किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करते वक्त उस गुड्स का टेक्निकल, साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग क्या, उससे कंसर्न नहीं है। रिपीट सर, किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करते वक्त किसी गुड्स का टेक्निकल, साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग क्या, उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो लोग को, जो लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग उसको यूज करते हैं या जो लोग उसमें डील करते हैं, वो लोग उस गुड्स को किस नाम से जानते हैं उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, ना कि उसके टेक्निकल या साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। क्लियर? अच्छा, किसी गुड्स को टैरिफ लॉ ने डिफाइन किया कि इस गुड्स का मीनिंग ये होगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी, वहां पे मार्केट पैलेंस थ्योरी की बात नहीं आएगी। पर हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टेक्निकल डेफिनेशन इन द टैरिफ लॉ, रिसोर्ट विल बी गिवन टू द मार्केट पैलेंस थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया जजमेंट, सॉफ्ट सर्व क्या है बेटा, सर टेक्निकली साइंटिफिकली बात करें तो उसमें आइसक्रीम नहीं है, वो एडिबल प्रिपरेशन कहलाएगा। पर टेक्निकली सर भले वो एडिबल प्रिपरेशन हो, पर कॉमन पार्लेंस में जो लोग उसमें डील करें, जो लोग उसको यूज करें, हम उसको आइसक्रीम बोलते हैं बेटा। इसलिए जजमेंट आया है क्या, दैट सॉफ्ट सर्व जो मैकडी में मिलता है, दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ आइसक्रीम। एंड सर सेकेंड जो मैंने जजमेंट आपको बताया था, एक जैसे हैंड सैनिटाइजर बेटा, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, कौन यूज करते बेटा, डॉक्टर्स बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट टू डीजम द स्किन ऑफ द पेशेंट एंड टू डीजम देयर हैंड्स। तो जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऑल दो उसमें मेडिकामेंट के कंटेंट बहुत कम है, प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है, फिर भी सिंस उसका जनरल यूज क्या है, डॉक्टर्स के लिए जो बड़ा बॉक्स आता है बेटा, तो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकामेंट।
क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? ओके, जनरल क्लेंजिंग सॉल्यूशन उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, मेडिकामेंट में क्लासिफाई करेंगे। सेम वे एक क्रीम आती है कॉस्मेटिक क्रीम, जो जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं टू ट्रीट द ड्राई स्किन कंडीशंस। एंड सर वो क्रीम अगर आपने परचेज करी तो सर उसको नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली उसको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट टू ट्रीट द स्किन डिजीजेस। अब ऑल दो टेक्निकली और साइंटिफिकली बात करें तो उसमें प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है सर, मेडिकामेंट कंटेंट कम बहुत कम है, फिर भी उसको क्लासिफाई करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकामेंट। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? डन ये जजमेंट। अच्छा सर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेशन द टैरिफ लो, अगर ट्रेड एक्सपर्ट उस इंडस्ट्री का जो ट्रेड एक्सपर्ट है उसने अगर उस गुड्स के बारे में बताया कि ये गुड्स इस यूज में आता है, इसको इस नाम से जानते हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आपने क्लासिफाई किया तो यस दैट विल बी एक्सेप्टेड, अगेन दिस वाज अ जजमेंट। क्लियर डन, ये मार्केट पैलेंस थ्योरी। एक लास्ट पॉइंट है, जजमेंट है सर, रिलेवेंस ऑफ एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन। सर देर इज नो रिलेवेंस ऑफ एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन, जनरल यूज क्या वो देखना है, पब्लिक किस नाम से जानती है उसको देखना है। आपने क्या जुगाड़, कोई जुगाड़ लगा के आपने एंड यूज कुछ कर लिया सर, उसे कोई मतलब नहीं है। हम घर घर जाके थोड़ा देखेंगे गुड्स कैसे यूज किया, जनरल यूज किया उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। एंड लास्ट देर इज नो रिलेवेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, आपने क्या प्रोसेस से गुड्स को मैन्युफैक्चर किया उसे कोई कंसर्न नहीं है सर। अल्टीमेटली गुड्स क्या बनाया है, वो जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया टैरिफ में किसमें फिट होता है उसमें क्लासिफाई करेंगे। देर इज नो रिलेवेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इन द क्लासिफिकेशन। इसी के साथ भारत माता की जय। पूरा चैप्टर नंबर 31 क्लासिफिकेशन जो एक छोटा सा चैप्टर था पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, खत्म होता है। अब पढ़ते रहिए, ध्यान दो बच्चों, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको सक्सेस दिलाएगी। डोंट बी पार्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज बच्चों। सर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है सबके लिए, ध्यान देना बेटा। रोज हमको सिचुएशन पे गुस्सा आता होगा पर सर जिसने अपना माइंड कूल करके काम करके पढ़ाई की तरफ फोकस किया, आपके गोल की तरफ फोकस किया, हम इतने मोटिवेशन लेक्चर्स देखते हैं, हम इतनी मूवीज देखते हैं सर, उनसे सीखिए कि हर्डल्स लाइफ में रोज आएगी, आज नहीं तो कल आएगी सर, पर सबके साथ आएगी। किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम आती है, किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम आती है, यू कांट कंपेयर कि उसको ये बेनिफिट मिल गया हमको नहीं मिल रहा। अरे हटा यार, तुम्हारे सिचुएशन जो कहती है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन लो एंड सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए बच्चों। क्लियर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।